अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे उसका नाम है टेटनस। और इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको विजुलाइज भी करवाता हूँ कि जो भी हमारे पे पेशेंट होता है टेटनस का, और सबसे पहले टेटनस होती क्यों है। टेटनस बैक्टीरिया डिज़ीज़ है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, अब ये टेटनस स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। तो इसकी वजह से जो साइन एंड सिम्टम आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, देन हम ना इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। और ये जो टेटनस के स्पोर होते हैं ना, ये सॉयल और फीसिस ऑफ एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब किसी भी गंदी जगह पे, गंदगी वाली जगह पे भी इसके स्पोर पाए जा सकते हैं, और वही गंदगी वाली जगह में यही हो सकता है कि एनिमल वहाँ अगर वहाँ पे फीसिस वगैरह पास करते हैं तो वहाँ से भी उसके स्पोर इनहेल किए जा सकते हैं या खाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके जो मेन साइन एंड सिम्टम है जो कि आपको क्लियर कट बताएंगे, जो डिफरेंट साइन एंड सिम्टम है वो है स्टिफनेस ऑफ मसल्स। ठीक है, जैसा कि आप इस डॉग में भी देख सकते हैं कि इसके मसल किस कदर स्टिफ हो गए हैं एक ही पोजीशन में। ऐसे आपको तो ये लग रहा है जैसे ये डॉग मर गया है। ठीक है, और इसमें अब जो दूसरा साइन एंड सिम्टम स्क्रीन पर लिखा आ रहा है वो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, क्योंकि आपको पता जब सारे मसल स्टिफ हो जाएंगे, हमारे इस फिगर्स में जो मसल हो जाते हैं वो भी स्टिफ हो जाएंगे, तो खाने पीने में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि इस डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है, बनोला भी पास किया हुआ है, और इसके मसल किस कदर स्टिफ हुए पड़े हैं ये आप देख सकते हैं। तो मैं कभी कभार ना इसमें मस्कुलर स्पैम भी आते हैं, जिसे हम कहने झटके लगना या दौरे पड़ना। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा है कि इसमें मस्कुलर स्पैम भी होते हैं। आप काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले न्यू अपडेट से बाखबर हैं। अब हम इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल की तरफ आते हैं कि हम अपने पेट को, हम अपने जानवर को किस तरह टेटनस से बचा सकते हैं। जो टेटनस के बचाव के लिए सबसे जो अहम चीज़ है ना वो ये है कि हम अपने जानवर की वैक्सीनेशन करवाएं। टेटनस टॉक्साइड जो इम्यून बूस्टर होता है वो लगवाएं अपने जानवर को, उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसके एनवायरनमेंट में जो भी बायोसिक्योरिटी है उसको अच्छे से मेंटेन करें, और वैक्सीनेशन साल में दो बार करवाएं, उसके बाद बूस्टर लगवाएं, फिर एनुअली बूस्टर लग जाता है वो करें। और इसका मेन जो ट्रीटमेंट लाइन है ना वो हम नेक्स्ट इसकी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है,